वेलकम डियर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. वी हैड सॉल्व सम क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लास फ्रॉम द लेसन नंबर वन. द लेसन नेम इज द क्रैंकी मकाओ. वी हैड सॉल्व सेक्शन ए कंप्रिहेंशन, सेक्शन बी वोकैबुलरी एंड सेक्शन सी C1 of section C. Today I will do solve C2 of section C. So open your book. Real English. Why was real English? Page number 6. And see the question. What is saying here? He is saying rewrite the following sentences in the present perfect tense and then as negative sentence, finally turn them into the interrogative form. क्या है? Rewrite the following sentences in the present perfect tense. ये जो sentence दिया हुआ है, इसे दोबारा से लिखिए. किसमें? Present perfect tense में. Present perfect tense में इसे लिखिए और उसके बाद फिर उसे negative sentence में लिखिए और उसके बाद आखिर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखिए. मीन्स एक सेंटेंस है जिसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस लिखना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है सितारा लॉस्ट हर कार की. सितारा लॉस्ट हर कार की, तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगाते हैं. हैज कहाँ लगाते हैं? जहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है. थर्ड पर्सन या सिंगुलर नाउन होता है उससे पहले हम लोग हैज लगाते हैं और बाकी के साथ या प्लुरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं. तो सब्जेक्ट के बाद हर जगह या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा. तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस है सितारा लॉस्ट हर कार की. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? सितारा हैज लॉस्ट हर कार की. अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हैज के बाद नॉट लगा देते हैं. मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज और नॉट लगाते हैं या हैव नॉट लगाते हैं. तो यहाँ देखिए नेगेटिव क्या हो जाएगा? सितारा हैज, उसके बाद नॉट लगा दिए, सितारा हैज नॉट लॉस्ट हर कार की. अब हमको इंट्रोगेटिव लिखना है तो हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव लिखने के लिए वर्ब को शुरू में ले आते हैं. वर्ब को हम शुरू में ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होता है. तो ये देखिए ये हैज क्या है? वर्ब है. हम इसको पहले ले आए तो क्या हो गया? हैज सितारा लॉस्ट हर कार की. ठीक है, तो पॉजिटिव सितारा लॉस्ट हर कार की, इसका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ सितारा हैज लॉस्ट हर कार की. नेगेटिव सेंटेंस हुआ सितारा हैज नॉट लॉस्ट हर कार की. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ हैज सितारा लॉस्ट हर कार की. इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 है टॉमी ड्रॉज फनी कार्टून. इसको पॉजिटिव सेंटेंस में हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो क्या होगा? टॉमी हैज ड्रॉन फनी कार्टून. अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? टॉमी हैज नॉट ड्रॉन फनी कार्टून. अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं. तो क्या होगा? हैज टॉमी ड्रॉन फनी कार्टून. इसी तरीके से थर्ड है, थर्ड सेंटेंस है माया जय एंड रीता आर ईटिंग आइसक्रीम. इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा माया जय एंड रीता हैव ईटन आइसक्रीम. इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा माया जय एंड रीता हैव नॉट ईटन आइसक्रीम. हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा? हैव शुरू में आ जाएगा. हैव माया जय एंड रीता ईटन आइसक्रीम.
ये आपका क्वेश्चन, ये सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 है। हम अब फोर्थ फिफ्थ को देखते हैं। देखिए फोर्थ सेंटेंस है, दे वियर वॉशिंग द कार, दे वियर वॉशिंग द कार। ये फोर्थ सेंटेंस है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जब लिखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस तो क्या सेंटेंस होगा, दे हैव वॉश्ड द कार। इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट वॉश्ड द कार। और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हैव द वॉश्ड, हैव दे, सॉरी वाई छूट गया यहां, हैव दे वॉश्ड द कार। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैव दे वॉश्ड द कार। उसी तरीके से फिफ्थ सेंटेंस है, यू विल फिनिश योर वर्क। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लाएंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इसको नेगेटिव सेंटेंस में लाएंगे तो यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव हम शुरू में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। दिस वॉज योर सेक्शन C2 ऑफ सेक्शन सी। टुडे आई विल डू स्टॉप टुडे वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डू सेक्शन डी राइटिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।